बता दें लखीमपुर में फिल बहुत बड़ा बवाल हुआ है। लखीमपुर से बड़ी खबर, जहां पर लखीमपुर में बवाल की खबर, पूर्व विधायक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना की हत्या कर दी गई है। ये पूर्व विधायक बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या, लखीमपुर में फिर से बहुत बड़ा बवाल और यहाँ पर पूर्व विधायक की निर्मम हत्या कर दी गई है। इस हत्या के बाद पुलिस देखी मौके पर पहुंच रही है। पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना की हत्या कर दी गई है। हत्या किस वजह से हुई, हालांकि इसके बारे में छानबीन जारी है। पलिया से 3 बार विधायक रहे निर्वेंद्र मुन्ना, दबंगों ने उनके बेटे संजीव को भी अधमरा किया है और हथियारों से लैस बदमाशों ने दिया है इस घटना को अंजाम। और यहाँ पर देखिए लखीमपुर में बहुत बड़ा बवाल, जहाँ पर पूर्व विधायक बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या कर दी गई। इसी के साथ पूर्व विधायक के बेटे को भी अधमरा किया गया है। पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना की हत्या कर दी गई है और इसी के साथ विधायक के जो बेटे हैं उसको भी अधमरा किया गया है। और पलिया से 3 बार विधायक रह चुके हैं। शारिक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शारिक, यहाँ पर किन बदमाशों ने, किन हथियारों ने इस घटना को अंजाम दिया, पुलिस क्या कर रही है वहां पर अभी इस पूरे मामले में? देखिए, यह लखीमपुर खीरी में जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ चुकी है और कई सारे अपराध लगातार हो रहे हैं। यहाँ पर जो मामला संपूर्ण नगर पिजरुलिया पड़ुआ का निकल कर आया, इसमें निर्वेंद्र कुमार मुन्ना जो कई बार विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय भी विधायक रहे, इनकी हत्या कर दी गई है। अब मामला ये है कि इसमें एक जमीन का मामला है जिसका केस भी कोर्ट में चल रहा था, लेकिन जो दूसरा पक्ष है किशन नाम का, जो शारदा होटल पलिया में चलाते हैं, वो जो है वहां पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे असलहों के साथ, लाठी डंडों के साथ 100 के आसपास लोग भी थे वहां पर। तो दूसरे पक्ष ने इस बात को मना किया कि वहां कोर्ट पर मैटर चल रहा है, इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इसको लेकर चूंकि पुलिस भी जो है पहले पक्ष के साथ थी, जो किशन गुप्ता असले लेकर पहुंचे थे और वहां पर इन लोगों ने बवाल शुरू कर दिया, लाठी डंडों से लोगों को वहां पर पीटा जो विरोध करने के लिए गए थे कब्जे का। इसके अलावा जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने भी जो है जो पीड़ित पक्ष है उसकी बात ना सुनकर जो कब्जा करने के लोग पहुंचे थे उनकी बात सुनी और वहां पर लाठी डंडे चलाकर जो लोग थे ग्रामीण थे पड़ुआ इलाके के उनको वहां से खदेड़ा। तो कुल मिलाकर अभी वहां पर भारी तनाव है, लोग पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोशित है, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, जरूर होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और जो लोग हैं और किस सीधे तौर पर ये आरोप है की जो निर्वेंद्र कुमार मुन्ना पूर्व विधायक है। नजर बना के रखिएगा शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना की हत्या कर दी गई और पूर्व विधायक के बेटे को भी यहां पर अधमरा किया गया है। पलिया से 3 बार विधायक रहे निर्वेंद्र शुक्ला और उसके बाद देखिए यहां पर दबंगों ने उनके बेटे संजीव को भी अधमरा किया है। हालांकि पुलिस पर आरोप ये लग रहे हैं कि वहां पर जो पीड़ित पक्ष था उसकी नहीं सुनवाई हुई, लेकिन जो दबंग वहां पर थे, जो बदमाश, उनके मामले में पुलिस जो है वो वहां पर अपना पक्ष रखती दिखी है। पूर्व विधायक का शव रखकर प्रदर्शन शुरू किया जा चुका है। संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र में ये जमकर बवाल देखा जा रहा है, जहां पर लखीमपुर में फिर से बहुत बड़ा बवाल और यहां पर जो परिजन है, जो लोग हैं, वो पुलिस के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे हैं। पूर्व विधायक की हत्या के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना जिनकी हत्या कर दी गई है और पलिया से 3 बार विधायक रह चुके हैं, हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस पर भी कई आरोप लग रहे हैं और पुलिस यहां पर जो दूसरा पक्ष रहा है, यानी कि जो अपराधी रहे हैं, उनकी तरफदारी करती दिखी है और उनके पक्ष में अपनी बात रखती दिखी है, उन्हीं का सपोर्ट करती पुलिस देखी गई है। इसी की वजह से लोग यहां पर काफी गुस्से में दिख रहे हैं और पुलिस के खिलाफ भी यहां पर उनका गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। फिलहाल पूर्व विधायक के बेटे को भी अधमरा करने की खबर है। संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र में जमकर बवाल और वहां पर इस बवाल के बाद अब लोग यहां पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पूर्व विधायक की हत्या के बाद जो परिवार वाले वो काफी परेशान है। अब पुलिस इस पूरे मामले को कैसे देखेगी, क्योंकि पुलिस पर खुद ही आरोप लग रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, पीड़ित पक्ष की यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा उनको वहां पर उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया है और अब परिवार वाले इसी वजह से काफी गुस्से में भी हैं और लोगों के अंदर भी काफी गुस्सा है। शव रखकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। त्रिकोलिया बस अड्डे के पास जमकर बवाल है। तस्वीरें एक तरफ देखें, हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है उसमें और पूर्व विधायक का शव रखने के बाद लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए यहां पर अभी तक शव का अंतिम संस्कार करने की बात भी सामने नहीं आई है। लोगों की मांग है कि जल्दी इंसाफ दिया जाए। हालांकि एक जान जरूर चली गई है, पूर्व विधायक जिनकी हत्या कर दी गई है, बेटे पर भी हमला किया गया है, बेटा भी अधमरा बताया जा रहा है, यानी कि बेटे को भी मारने की कोशिश और उसके बाद देखिए लोग वहां पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी परिवार वाले इस वक्त काफी परेशान हैं। दबंगों ने
पूर्व विधायक के बेटे जिसका नाम संजीव है उसको भी बड़ी बेरहमी से मारा है। और यहाँ पर असलहों से लैस बदमाशों ने यह हमला किया है। त्रिकोलिया बस अड्डे के पास जमकर बवाल फिलहाल अभी, और पूर्व विधायक का शव रखकर लोग प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं और पुलिस इस पूरे मामले में लिपापोती भी कर रही है। और अभी तक यहाँ पर पीड़ित पक्ष की किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परिवार वाले इसी को लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं। आगे जो बड़े अफसर है वो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो पुलिस मौके पर पहुंची है वो यहाँ पर किसी तरीके से सपोर्ट में नजर नहीं आ रही है पीड़ित पक्ष के, और इसी वजह से लोगों का गुस्सा साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है। लखीमपुर में एक बार फिर से ये बड़ा मामला सामने आता हुआ जहां पर अपराधी जो है वो लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं और लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। पुलिस खुद उनके साथ हालांकि कहीं ना कहीं मिली भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया है। बदमाश यहाँ पर आसानी से इस वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है। संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में ये जमकर बवाल फिलहाल इस वक्त चल रहा है, जहां पर लखीमपुर में एक हत्या हुई है पूर्व विधायक की, और इस हत्या के बाद पूर्व विधायक के बेटे को भी घायल किया गया है। निर्वेंद्र जो विधायक है उनका नाम निर्वेंद्र कुमार मुन्ना है, पलिया से ये तीन बार विधायक रह चुके हैं। और इसके बाद कोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि एक केस यहां पर सामने आता दिख रहा है, कोर्ट में एक केस भी चल रहा है जिसको लेकर भी हो सकता है कि पूरा विवाद रहा हो। अब उस मामले में पुलिस किस तरीके से छानबीन करती है, क्या पुलिस यहां पर जो अपराधी हैं उनको जल्द पकड़ पाएगी, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन बदमाशों के खिलाफ, और इसी वजह से जो वहां पे लोग हैं जो परिवार वाले हैं वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शव रखकर प्रदर्शन भी शुरू किया जा चुका है, लोगों की तरफ से उनका गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। परिवार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। तस्वीर एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व विधायक की भी, निर्वेंद्र कुमार मिश्रा इनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी हत्या कर दी गई है। हथियारों से लैस बदमाशों ने हमला किया है और बेटे को भी घायल कर दिया है। बेटा संजीव गंभीर हालत में इस वक्त जख्मी है, गंभीर हालत में उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। हथियारों से लैस बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। त्रिकोलिया बस अड्डे के पास जमकर ये बवाल, और इस बवाल के बाद जहां पर लोगों का गुस्सा बढ़ता दिख रहा है। अभी फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंची हुई है लेकिन पुलिस का कोई एक्शन नहीं अभी यहां पर साफ तौर पर नजर आता हुआ। परिवार वाले इसको लेकर भी काफी गुस्से में, और पुलिस के खिलाफ भी यहां पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। और जिस तरीके से अभी तक पुलिस ने यहाँ पर पीड़ितों की बात नहीं सुनी है, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि पुलिस यहाँ पर कहीं ना कहीं उन लोगों से मिली हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो बदमाश जो अपराधी हैं उनको पकड़ने की कोशिश उतनी तेजी के साथ नहीं शुरू हो पाई है, ना ही उन पर कभी पहले एक्शन लिया जा चुका है, क्योंकि पहले से ही ये पूरा मामला कोर्ट में किसी बात को लेकर चल रहा था, जिसके बाद अभी एक हत्या और इसके बाद परिवार वालों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। और पूर्व विधायक की जान चली गई है इस हमले में। त्रिकोलिया बस अड्डे के पास यहां पर बवाल हो रहा है, पूर्व विधायक का शव रखकर प्रदर्शन जो है यहां पर लोग जो है वो शुरू कर चुके हैं, और लोगों का गुस्सा साफ तौर पर झलकता हुआ। लखीमपुर में बहुत बड़ा बवाल, यहाँ पर लोगों के अंदर गुस्सा काफी ज्यादा पुलिस के खिलाफ देखा जा रहा है। हालांकि हत्या के बाद जो पुलिस है वो अभी तक कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कह रही है, और ना ही उन बदमाशों को पकड़ने को लेकर अभी तक कोई बात सामने आई है, ना ही कोई स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से अभी तक सामने आ पाया है। फिलहाल जो परिजन है वो काफी परेशान है इस हत्या को लेकर। पूर्व विधायक को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में देखिए जमकर बवाल, वो तस्वीरें आपको दिखा रही तरफ वो पूर्व विधायक का शव पड़ा हुआ, और जो परिवार वाले वहां पर रोते बिलखते आपको नजर आ रहे होंगे। परिवार वाले इस वक्त काफी परेशान हैं, और एक तरफ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर लोगों का प्रदर्शन भी हो रहा है। हालांकि शव रखकर लोग देखिए किस तरीके से यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। बेटा संजीव जो है पूर्व विधायक का, वो गंभीर हालत में इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है, जख्मी हो चुका है, उसको भी यहां पर मारने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है, लेकिन वो अभी फिलहाल खतरे में है, काफी गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। और जो पिता है संजीव के यानी कि पूर्व जो विधायक हैं उनकी मौत हो चुकी है, और इस हत्या के बाद अब पुलिस पर भी कई सवाल खड़े होते जा रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन वहां पर है वो पूरे तरीके से फेल साबित हो जा रहा है। यहाँ पर हथियारों से लैस बदमाश आते हैं और पूर्व विधायक की हत्या करके वहां से निकल जाते हैं।